हेलो ऑल, थैंक यू फॉर क्लिकिंग। माय नेम इज अतिया जैनब और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। रत्ना सागर पब्लिकेशन जेम्स इंग्लिश रीडर बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है। काफ़ी सारे इसके चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी एक प्लेलिस्ट भी मौजूद है मेरे चैनल पर जिसका नाम है जेम्स इंग्लिश रीडर क्लास 8। तो ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, और किया भी था तो वो जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं अपने बच्चों को जो वीडियोज भेजती थी कोविड के टाइम वही मैंने अपलोड कर रखी थी, तो वो अधूरा चैप्टर है। तो एक बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि ये चैप्टर भी मैम अपलोड कर दीजिए, तो उसी के रिक्वेस्ट पर मैं इसको आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर इसी वीडियो में टाइम मिलेगा तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर दूंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई टाइटल है द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। कार्बंकल एक तरीके का प्रीशियस स्टोन होता है, या हम उसको डायमंड मान सकते हैं। तो ये कहानी है एक ब्लू डायमंड के, उसका एडवेंचर दिखाया गया। तो एडवेंचर का मतलब क्या होता है? अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ब्लू डायमंड को लेकर एक कहानी बनाई गई है जिसको लिखा है अर्थर कॉनन डॉयल ने, और ये एक जासूसी भरी कहानी है। अर्थर कॉनन डॉयल ने 56 स्टोरीज लिखी हैं यही जासूसी पर, और उनका एक मेन कैरेक्टर जो केसेस को सॉल्व करता है उसका नाम है शेलोक होम्स। तो इस कहानी में भी ब्लू डायमंड को लेकर एक पूरी स्टोरी है। उसमें जो केस आता है कि ब्लू डायमंड चोरी हो जाता है, उस चुराने वाले का पता लगाना है, तो शेलोक होम्स कैसे उसका पता लगाता है, कितने स्मार्ट तरीके से, वो पूरी स्टोरी में दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कई सारी मीनिंग्स आएंगे उसका नोट करते चलना। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड शेलोक होम्स। कॉल ऑन कहते हैं विजिट करना। ये आई कौन है यहाँ पे, कहानी हमको कौन सुना रहा है? शेलोक होम्स का जो फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन। 56 स्टोरीज आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी है ना, उसमें दो कैरेक्टर्स कॉमन है। शेलोक होम्स आपको हर कहानी में मिलेगा, उसका एक फ्रेंड है डॉक्टर वॉटसन जो कि उसकी हेल्प करता है, या कह सकते हैं कि शेलोक होम्स अपना हर केस अपने फ्रेंड से शेयर करता है। कभी डायरेक्टली वो बुला के शेयर कर लेता है कि डॉक्टर वॉटसन तो मेरे घर आओ, एक केस है, मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर वॉटसन खुद शेलोक होम्स के घर इत्तेफाक से कभी चला जाता है, तो वहां पे शेलोक होम्स क्या करता है, केस सॉल्व कर रहा होता है। तो दोनों के बीच डिस्कशन होता है उस केस को लेकर। तो कहानी जो हमें सुना रहा है वो कौन है? डॉक्टर वॉटसन। फिलहाल हमें कहानी सुना रहा है डॉक्टर वॉटसन, और वो कह रहा है कि आई कॉल्ड ऑन माय फ्रेंड शेलोक होम्स ऑन द सेकंड मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस, कि मैं अपने फ्रेंड शेलोक होम्स से मिलने गया। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट, राइट? कब गया? क्रिसमस के दूसरी सुबह गया, यानी क्रिसमस जैसे मान लीजिए आज था, तो वो कल गया उससे मिलने के लिए। तो वहां पर उसने देखा कि शेलोक होम्स अपने सोफा पे बैठा हुआ था, और वो क्या पहना हुआ था? ब्राउन कलर का गाउन। अब आप सोचोगे मैम गाउन तो लड़कियां पहनती हैं, तो भाई देख सकते हो स्क्रीन पर, अंग्रेज लोग गाउन उस तरीके से पहना करते थे सर्दियों में, ओके, वुलन होता था। उसके हाथ में क्या था? होल्डिंग अ पाइप। वो पाइप पकड़े हुए थे, पाइप का मतलब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो वो मुंह में लगाए हुए सिगार, तो उसे बोला जा रहा है। और उसके एट हैंड लिखा हुआ, एट हैंड का मतलब क्या होता है? नियर। उसके पास क्या था? कलेक्शन था मॉर्निंग पेपर्स का, क्रम्पट मतलब दबे हुए, जब हम एक ऊपर एक रखते हैं ना मॉर्निंग पेपर्स, तो उसके पास में मॉर्निंग पेपर्स रखे हुए थे। और बिसाइड द काउच, काउच के पास क्या था? एक लकड़ी की चेयर रखी थी, और उस चेयर के बैक पर जहाँ पे हम टेक लगाते हैं एक गंदा सा पहना हुआ और हार्ड मतलब बहुत सख्त सा एक क्या था? हैट रखा हुआ था। और लेंस एंड फोर्सेप्स ले अपॉन द सीट ऑफ द चेयर। और चेयर पर क्या रखा हुआ? चेयर के बैक पर था क्या था? हैट था। और चेयर पर क्या रखा हुआ था? उसका लेंस रखा हुआ था, फोर्सेप्स चिमटे को कहते हैं, जिसकी हेल्प से ये केस को यू नो ऑब्जर्व करता था, चीजों को देखता था कायदे से जो भी केस से रिलेटेड होती थी। तो उसका इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे कुर्सी पर, तो क्योंकि कुर्सी पर रखे हुए थे तो ऑब्वियसली यानी कि सिंपल सी बात है कि होम्स ने उसको टांग रखा था, उस हार्ट को लटका रखा था उस चेयर पर, क्योंकि वो उसको एग्जामिन कर रहा था, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट भी वहीं पर रखे हुए थे। तो मैंने ये नोटिस किया, डॉक्टर वॉटसन हमें बता रहा है कि मैंने ये नोटिस किया कि वो उस हार्ट को एग्जामिन कर रहा था। अब क्योंकि डॉक्टर वॉटसन ने देखा कि वो एग्जामिन कर रहा है हैट में, काफी ज्यादा उसमें उलझा हुआ है, तो डॉक्टर वॉटसन ने पूछा, परहैप्स आई इंटरप्ट यू, शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। शेलोक जवाब देता है, नॉट एट ऑल, अरे ऐसी कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड, मैं तो खुश हूँ कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जिससे मैं अपने केस से जुड़ी चीजों को जब मैं एग्जामिन करता हूँ उसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर सकता हूँ। और इसके आगे उसने बोला कि जो ये वाला जो मैटर है, ये वाला जो केस मेरे पास आया है, इट्स ऑर्डिनरी वन, नॉर्मल सा केस है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। आई सीटेड माई सेल्फ इन इस आर्मचेयर, जिसमें हाथ रख सकते हैं आप, उस आर्मचेयर पे मैंने अपने आप को बिठाया, यानी मैं वहां बैठ गया, और मैं जो क्रैकलिंग फायर उसके सामने रखी हुई थी उस फायर के आगे मैं अपना हाथ सेकने लगा। और डॉक्टर वॉटसन ने शेलोक होम्स से कहा कि हालांकि, ऑल्दो हालांकि दिख तो रहा है कि नॉर्मल केस है,
लेकिन जहां तक मुझे लगता है डेडली मतलब डेंजरस, एक भयंकर सी कोई स्टोरी इसमें होगी या भयंकर से कोई क्राइम इसे लिंक जरूर होगा, मैंने गेस किया। इस पर शेलो गोम्स ने कहा, नहीं नहीं क्राइम नहीं है, हंस के बोला वो, क्राइम नहीं है इस केस में। चलो मैं तुमको बताता हूँ कि ये हैट जिसको मैं अभी एग्जामिन कर रहा हूँ ये मुझ तक कैसे आया। वो बताता है आगे शेलो होम्स डॉक्टर वॉटसन को कि क्रिसमस के सुबह 4 बज रहे थे, पीटरसन जो हमारा जो कमिश्नर है वो घर लौट रहा था और उसके आगे एक लंबा सा आदमी चल रहा था जिसके हाथ में एक मोटा सा गूज था। गूज आप देख सकते हो, बर्ड को कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो वो उसके हाथ में एक गूज था, उसके आगे जा रहा था कमिश्नर के। एज ही रीच ही, किसको बोला जा रहा है, उसे टॉलिश मैन को। जैसे ही वो टॉलिश मैन सड़क के किनारे पहुंचा तो लिटिल नॉट ऑफ रफ मैन अटैक द मैन विद द गूज। नॉट कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, झुंड को। रफ मैन यहाँ बोला जा रहा है बदमाशों को, रोग इंग्लिश में कहते हैं। कुछ बदमाश लोग आए और उस टॉलिश मैन पर उन लोगों ने अटैक कर दिया। किस पर अटैक हुआ है, द मैन विद द गूज, यानी वही टॉलिश मैन जिसके गोद में वो क्या था, गूज जो लिए हुए था। यानी शेलोक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बता रहे हैं कि जो हमारा कमिश्नर है वो रात में 4 बजे सुबह अपने घर लौट रहा था कि उसके आगे एक टॉल सा इंसान जा रहा था जिसके हाथ में गूज था और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो टॉलिश मैन, कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं उसी गूज मैन वाले के ऊपर। वन ऑफ द हूडलम्स, हूडलम्स अगेन उन्हीं रफ मैन को बोला जा रहा है बदमाशों को, नॉक्ड ऑफ द टॉल मैन्स हैट एज ही एम्ड अ ब्लो एट हिम। ब्लो मतलब मुक्का। एक बदमाश ने उस टॉल मैन को मुक्का मारने की कोशिश करी जिसकी वजह से टॉल मैन की जो हैट थी वो नॉक ऑफ हो गई, मतलब उसके सर से गिर पड़ी। उस टॉल मैन ने अपने को बचाने के लिए अपनी स्टिक को ऊपर उठाया, उसको स्विंग करने लगा, इन्हें हवा में हिलाने लगा, झुलाने लगा हेड को बचाने के लिए अपने, जिसकी वजह से पीछे शॉप विंडो थी उसका जो शीशा था वो भी स्मैश हो गया, टूट गया। पीटरसन जो कि विक्टिम, विक्टिम ये कौन है, विक्टिम वही टॉल मैन, वही शिकार है, लोगों ने क्या किया है उसके ऊपर, टूट पड़े हैं, उसको पता नहीं क्या चाह रहे हैं वो लोग इस टॉल मैन से। तो पीटरसन क्या हुआ, पीटरसन आगे बढ़ा, रश होवर बहुत तेजी से आगे बढ़ा उस विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के, उस टॉल मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट द मैन बोला जा रहा टॉल मैन को, लेकिन वो टॉल मैन फ्राइटेंड डर गया पीटरसन की यूनिफॉर्म देखकर। उसे लगा ये भाई कमिश्नर है, इसकी यूनिफॉर्म ऐसी है, यानी ये मुझ पर कोई केस ना ठोक दे। टुक टू हिज हील्स, वहां से वो भाग गया। जब वो भाग गया तो उसकी हैट जो थी वो वहीं पड़ी रह गई। ओके, द रफ्स ऑल्सो रैन अवे एज पीटरसन अप्रोच, और जैसे ही पीटरसन को इन रफ मैन ने देखा वो भी वहां से भाग गए। तो वहां पे बचा कौन, पीटरसन, और उसके साथ क्या रह गया, फैट गूज जो वो हाथ में लिए हुए था, और उसकी हैट वहीं रह गई। और हैट कैसी थी, बैटर्ड, बैटर्ड कहते हैं डैमेज, बहुत पुरानी सी थी, फटी सी थी, तो डैमेज हैट उसकी वहीं छूट जाती है उस टॉल मैन के जाने के बाद। पीटरसन वापस करना चाहता था उस गूज को, उसके ओनर को, टॉल मैन को वो गूज वापस करना चाह रहा था, लेकिन उसे वापस करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों, क्योंकि मिसेस हेनरी बेकर लिखा हुआ था गूज के लेफ्ट लेग पर, एक छोटा सा कार्ड लटका हुआ था, उस कार्ड पे लिखा हुआ था मिसेस हेनरी बेकर। इसके अलावा हैट पर भी कुछ लिखा हुआ था एच बी, इनिशियल्स, मतलब जो भी नाम होगा उसको फर्स्ट लेटर को कहते हैं इनिशियल्स, राइट। तो एच बी उस पर लिखा हुआ था हैट की लाइनिंग्स पर। अब इस शहर में थाउजेंड्स तो बेकर्स ही होंगे और इस बेकर्स में भी हेनरी बेकर्स भी बहुत सारे होंगे, तो कैसे पता लगाता पीटरसन कि कौन हेनरी बेकर, किस हेनरी बेकर की ये गूज और हैट है। तो पीटरसन ने क्या किया, ये दोनों चीजें यानी हैट और गूज को वो मेरे पास ले आया, शेलोक होम्स के पास ले आया क्रिसमस मॉर्निंग पर ही, क्योंकि उसे पता था कि ये सारे जो केसेस होते हैं मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं। शेलोक होम्स के पास इस तरीके से वो हैट आती है। तो कौन लाता है उसके पास हैट, पीटरसन कमिश्नर। अब शेलोक होम्स डॉक्टर वॉटसन को आगे बताता है कि गूज अभी तक सुबह तक हम दोनों के पास था, उसके पास मौजूद था, लेकिन हमने देखा कि उसकी हालत बिगड़ रही थी, तो पीटरसन ने उसको आज पका लिया होगा, पका के खा लिया होगा, जैसे हम लोग के यहाँ चिकन खाए जाते हैं वैसे ही वहाँ पे गूज वगैरह खाए जाते थे, ठीक है। आई थॉट दैट आई वुड कीप द हैट विद मी, और मैंने सोचा कि भाई गूज तो किसी काम का नहीं, उसको पका के खा लिया जाए, ये हैट किसी काम की हो सकती है, तो मैंने हैट को अपने पास रख लिया और उसको मैं एग्जामिन कर रहा हूँ। इस पर डॉक्टर वॉटसन कहता है कि क्या तुमने पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया कि ये किसका हैट है जो उसको क्लेम करे ले सकता है। तो शेलोक होम्स मना कर देता है, नहीं मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। तो डॉक्टर वॉटसन पूछता है कि फिर कैसे पता लगेगा तुम्हें कि इसका ओनर कौन है। इस पर शेलोक होम्स जवाब देता है कि हमें पता लगेगा जो भी हम इस हैट को देख कर एग्जामिन करके डिड्यूस करेंगे, जो फाइनलाइज करेंगे इसको देख कर।
तो अब इस पर डॉक्टर वॉटसन कहता है, बट यू आर जोकिंग, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, आई डोंट सी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम इस बैटर्ड, इस फटी सटी एक पुरानी सी हैट को देखकर कुछ रिजल्ट सामने ला सकते हो। इस पर शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन से कहता है, ये लो मेरा लेंस, इसको लेंस लगा के जरा चेक तो करो इस हैट को, व्हाट कैन यू गैदर अबाउट द मैन हु ओन्स दिस हैट, क्या तुम इस हैट को लेंस की हेल्प से देखने पर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, बता सकते हो कि इस हैट का ओनर कौन है। इसके बाद डॉक्टर वॉटसन में बता रहा है कि आई टुक द टैटर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब फटा सटा सा, मैंने उस अजीब से ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लिया एंड टर्न इट ओवर, टर्न इट मतलब उसको अलट पलट कर देखा, रादर र्यूफुली, र्यूफुली मतलब रिग्रेट के साथ कि बेचारा बताओ उसकी हैट रह गई, चला गया वहां से वो। तो इस सोच से वो उस हैट को देख रहा था डॉक्टर वॉटसन। इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी ब्लैक हैट ऑफ द यूजुअल राउंड शेप, बहुत ही कॉमन सी ब्लैक हैट थी राउंड शेप की, और काफी हार्ड हो रखी थी, मच द वर्स फॉर वेयर, यानी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी, बहुत ज्यादा पहनी हुई थी वो। द लाइनिंग हैड बीन ऑफ रेड सिल्क, रेड कलर की लाइनिंग दिख रही थी उस हैट पर, लेकिन वो डिसकलर हो चुकी थी, काफी पुरानी हो चुकी थी, ठीक तरीके से कलर भी नजर नहीं आ रहा था। देयर वॉज नो मेकर्स नेम, हैट को बनाने वाले का नाम कहीं भी नहीं दिख रहा था, लेकिन जिसकी होम्स ने बताया था, मैंने देखा कि इनिशियल्स तो लिखे हुए इसमें साइड में, स्क्रॉल मतलब क्या होता है, रिटन साइड में लिखे हुए थे, HB करके लिखा हुआ था उस हैट पर। इट वॉज पियर्स्ड इन द ब्रिम फॉर अ हैट सिक्योर, ब्रिम किसे कहते हैं, बिल्कुल लास्ट का पार्ट, आपने देखा होगा जो बच्चे कैप लगाते हैं उसके नीचे एक डोरी लगी होती है, ऐसे ही ये लोग अंग्रेज लोग जो है हैट लगाते थे, जिसके नीचे एक हैट सिक्योरर होता था, इलास्टिक बैंड होता था हैट को कंट्रोल करने के लिए, टिकाने के लिए, लेकिन उसकी इलास्टिक नहीं थी, हैट सिक्योरर तो था, मतलब लग रहा था कि यहाँ कुछ लगा हुआ था पहले, लेकिन वो इलास्टिक अब मिसिंग थी। फॉर द रेस्ट इसके अलावा इट वॉज क्रैक्ड, फटी हुई सी थी, एक्सीडिंगली डस्टी, बहुत गंदी हो रखी थी, स्पॉटेड थी, कई जगह पे निशान धब्बे पड़े हुए थे। ऑल्दोह देयर सीम्ड टू हैव बीन सम अटेम्प्ट टू हाइड द डिसकलर्ड पैचेस बाय स्मीयरिंग देम विद इंक, स्मीयरिंग कहते हैं स्प्रिंकल, छिड़कना, वहां पर जो भी धब्बे हो रखे थे उस धब्बों को छुपाने के लिए, डिसकलर्ड पैचेस को छुपाने के लिए इंक उस पर छिड़की गई थी, कोशिश की गई थी उसको अच्छा रखने की, जिसकी भी वो हैट थी। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो डॉक्टर वॉटसन का है, जो कि अभी तक उसने एग्जामिन किया है, और ऐसा एग्जामिन करने के बाद वो कहता है, आई कैन सी नथिंग, मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस हैट, तुम मुझे बताओ शेरलॉक होम्स कि तुमने इस हैट से क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। होम्स ने उस हैट को बहुत सोचते हुए देखा और बोला, द मैन, यानी जिसकी भी ये हैट है ना, ही लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ, सेडेंट्री कहते हैं एक ऐसी लाइफ जिसमें इंसान बैठा ज्यादा रहता है, काम धाम कम करता है, इनएक्टिव लाइफ, राइट। तो ये एक ऐसे इंसान की कैप है जो इनएक्टिव लाइफ जिसने जी है, और वो बहुत चालाक है, और वो मिडिल एज का है, एंड इज नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन, उसका जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, हिज हेयर इज ग्रे, ग्रे कहा जाता है सफ़ेद बालों को इनके यहाँ, तो उसके बाल सफ़ेद हैं, और वो लाइम क्रीम यूज़ करता है। ही वॉज रिच, वो अमीर था, बट अब अमीर नहीं है। इसके अलावा भी होम्स के पास कई दूसरी डिटेल्स भी थी। आई वॉज अस्टाउंडेड, डॉक्टर वॉटसन कह रहा है कि मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया था, अस्टाउंड मतलब होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाना, मैं चौंक गया था। तो क्यों चौंक गया था डॉक्टर वॉटसन, इसलिए कि एक हैट से इतनी सारी चीज़ें कैसे कोई बता सकता है। तो यही सोचते हुए डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स से कहता है कि मैं तो बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ होम्स, क्योंकि मैं तो एग्जामिन करके ये सब चीज़ें सोच ही नहीं पाया। जैसे कि तुमने बताया कि वो क्लेवर है, सिर्फ उसकी हैट देखकर तुमने ये बता दिया कि वो बहुत क्लेवर है। तो इसके आंसर में शेरलॉक होम्स बताता है, रीज़न बताता है कि कैसे उसने बता दिया कि वो क्लेवर है। वो बोलता है कि वेल द हैट इज़ वेरी लार्ज, ये हैट जो है वो बहुत बड़ी सी है, बड़ी सी है इसका मतलब उसके दिमाग होगा, कैसे उसने बोल दिया, बड़ी सी है हैट तो सर बड़ा होगा, सर बड़ा होगा तो ब्रेन्स भी, यानी उसके जो दिमाग है वो भी बड़ा होगा, उसकी नॉलेज भी काफ़ी होगी। हाउ डू यू नो ही हैज ग्रे हेयर एंड यूजेस लाइम क्रीम, और तुमने ये कैसे बता दिया शेरलॉक होम्स कि उसके बाल सफ़ेद हैं और वो लाइम क्रीम यूज़ करता है। तो उसके आंसर में शेरलॉक होम्स बताता है कि हैट पे कुछ थोड़े बहुत ग्रे हेयर मौजूद मिले थे लाइनिंग पर मुझे, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि उसके बाल सफ़ेद हैं। देर इज़ अ फाइन विफ, विफ कहते हैं एक ऐसी खुशबू को जो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के ही सूंघी जा सकती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि धीमी सी एक खुशबू है मंद सी इसमें लाइम की, जिससे मुझे ये पता चला कि ये लाइम क्रीम यूज़ करता है।
होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शंस, यानी जितने भी डिडक्शन का क्या होता है रिजल्ट जो वो निकालता था, जितने भी वो रिजल्ट निकालता था, इन्फॉर्मेशन निकालता था, वाकई उसके पीछे लॉजिक छुपा होता था। जैसे ही शेलोक होम्स और हम बातें कर ही रहे थे कि पीटरसन जो कि कमिश्नर था वो कमरे में दौड़ता हुआ आया और उसने हमें एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सा ब्लू कलर का डायमंड दिखाया और उसने ये बताया कि ये डायमंड उसको कहाँ से मिला। ये डायमंड उसको मिला उस गूस से, क्योंकि उसके वाइफ ने कल ही गूस पकाया था, तो उसके पेट में, उस गूस के पेट में ये ब्लू डायमंड निकला। शेलोक होम्स फौरन पहचान जाता है कि ये जो ब्यूटीफुल जेम है, आजकल बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा है, न्यूज़ में आजकल इसको बहुत दिखाया जा रहा है। होम्स को याद आता है कि उसने एक चोरी का मामला पढ़ रखा है इसी ब्लू डायमंड को लेकर, और वो कहाँ चोरी हुआ था, काउंटेस ऑफ मोकार। काउंटेस ऑफ मोकार कौन थी, ब्रिटिश नोबल वुमेन थी जो राइटफुल ओनर थी इस ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड की। वो जब कॉस्मोपॉलिटन होटल में रुकी हुई थी वहाँ पर उनका ये ब्लू डायमंड चोरी हो गया था और इल्ज़ाम आया था इस चोरी का एक प्लम्बर पर। प्लम्बर कौन होता है, जो कि पाइप्स वगैरह सही करता है। तो जिस रूम में वो ठहरी हुई थी उस रूम में वो कुछ सही करने आया था, कुछ ठीक ठाक करने आया था, उसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। और इसकी गवाही किसने दी थी, किसने देखा था उसको चोरी करते हुए या किसने बताया था, उसका नाम वो है राइडर। राइडर जो कि उस होटल का अटेंडेंट था, उसने ये गवाही दी थी कि मैंने इसी प्लम्बर को देखा था ठीक पहले जब वो स्टोन मिस हुआ, उससे पहले यही प्लम्बर रूम में गया था। तो वो गवाही देता है राइडर, जिसकी वजह से उस प्लम्बर को ही पकड़ लिया जाता है, चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया जाता है। और काउंटेस को वो जेम बहुत ज़्यादा प्रीशियस था, बहुत कीमती था उनके लिए, वो बहुत पसंद करती थी उस ब्लू डायमंड को। और उन्होंने इल्ज़ाम रखा कि 1,000 पाउंड दिया जाएगा जो भी इस ब्लू डायमंड को ढूंढ के लेके आएगा। तो ये सब बताने के बाद अब शेलोक होम्स वॉटसन से कहता है, यू सी वॉटसन, वॉटसन तुमने देखा, हमने तो थोड़े बहुत रिजल्ट्स निकाले थे, डिडक्शंस निकाले थे, उससे कितने इंपॉर्टेंट पहलू जुड़ते जा रहे हैं। होम्स ने बहुत सोच विचार के कहा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस इवेंट्स के सीक्वेंस को कैसे लगाएं, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमें यही पता करना है कि एक तरफ तो ये जो ब्लू डायमंड है ये चोरी हुआ था, यानी राइफल जूल केस जो हुआ था वहाँ पर उस होटल में, और दूसरी तरफ क्रॉप क्रॉप कह रहे हैं यहाँ पे अपीयरेंस को कि ये गूज पाया गया था टॉटनम कोर्ट रोड पर दूसरी तरफ, तो क्या इनमें कनेक्शन है, यही हमको अब पता लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप जो होम्स ने लिया पता लगाने के लिए, उसने पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके था कि गुड स्ट्रीट पर एक गूज और ब्लैक सी हैट मिली है, मिस्टर हेनरी बेकर इसको लेने आ सकते हैं 6:30 के करीब यहाँ पर बेकर स्ट्रीट पर। तो बहरहाल वो बेकर जिसकी वो हैट थी जो वहाँ से भाग गया था पीटरसन को देखकर, वो वाकई आ जाता है इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के, और होम्स से मुलाकात होती है। और होम्स उससे थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन के बाद ही पता लगा लेता है कि ये जो इंसान है ये इनोसेंट है, इसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए क्या करता है होम्स, होम्स उसको एक दूसरा गूस, क्योंकि उसका गूस तो पक चुका था जिसमें से ब्लू डायमंड निकला था, दूसरा सा गूस दे देता है उसको रिप्लेस करके, ओके। और वो बेचारा उस गूस को पाकर बहुत कंटेंट होकर, यानी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर, खुश होकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगला स्टेप जो होम्स को लेना था वो ये कि इस गूस का सेलर कौन, यानी ये जो गूस ये बेचारा हैट वाला लेके जा रहा था, इसको ये गूस मिला कहाँ से जिसमें ब्लू डायमंड था, ये पता करना था अब होम्स को। तो कुछ क्वेश्चन करने के बाद मिस्टर बेकर से, उसे पता लगता है कि उसने वो गूस खरीदा था मिस्टर ब्रेकिनरिज से, यानी उस टॉलिश मैन के पास जो गूस था जिसमें ब्लू डायमंड निकला था, जिसको वो छोड़ के चला गया था वहाँ से, उसने वो खरीदा था मिस्टर ब्रेकिनरिज से। उसको भी नहीं पता था कि मैं जो गूस ले जा रहा हूँ उसमें ब्लू डायमंड है, ओके। तो मिस्टर ब्रेकिनरिज का वो पता बता देता है होम्स को। अब होम्स जाता है मिस्टर ब्रेकिनरिज के पास और उनसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद पता ये चलता है कि जिस गूस की बात हो रही है वो गूस मिला था मिस्टर बेकर को एक लेडी से, मिसेस ओकशोट, जो कि ब्रिक्सटन रोड पे रहती हैं, ठीक। यानी फाइनली ये पता चलता है कि जो गूज है, यानी जो गूज मिस्टर ब्रेकिनरिज के जरिए कहाँ पहुँचा था हेनरी बेकर के पास, वो एक्चुअली किसका है, मिसेस ओकशोट का, जो कि कहाँ रहती हैं, ब्रिक्सटन रोड पे रहती हैं। अब होम्स और मैं, वॉटसन बता रहे हैं हमको कि होम्स और मैं बात ही कर रहे थे, प्लान ही कर रहे थे कि चलते हैं मिसेस ओकशोट के पास और उनसे पूछते हैं कि माजरा क्या है। तभी इन दोनों को
हबब एक शोर सुनाई पड़ता है मिस्टर ब्रेकनरिज के पास। सर मिस्टर ब्रेकनरिज से लोग बातें कर रहे थे थोड़ा सा दूर हटके, इन लोग आपस में प्लान बनाने लगते हैं कि चलते हैं मिसेस ऑक्सफोर्ड के पास। इतने में ही देखते हैं ये लोग, वी हैड अ हबब नियर मिस्टर ब्रेकन, ब्रेकनरिज के पास से एक शोर उठ रहा है। तो इन लोग देखते हैं कि हुमाजरक है, वो जो गूज सेलर था यानी कि मिस्टर ब्रेकनरिज की बात हो रही है। मिस्टर ब्रेकनरिज अपने मुट्ठी यानी दिखा रहे थे किसी को, गुस्सा कर रहे थे, गुस्सा दिखा रहे थे एक रैट फेस्ड मैन पर, एक ऐसे इंसान पर जिसका चेहरा चूहे ऐसा लग रहा था, हु वॉज विनिंग दैट द गूज वॉज हिज, जो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहा था। मैंने कहते हैं कंप्लेन करने को, गुस्सा करने को, जो बहुत गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरा गूस किसको भेज दिया, वो मेरा गूस था, इस पर वो चिल्ला रहा था। तो मिस्टर ब्रेकनरिज क्योंकि वो दे चुका था, हेनरी बेकर को भेज चुका था, तो वो चिल्ला रहा है कि हेनरी बेकर को तुमने मेरा गूस क्यों दिया, मेरा गूस था। तो मिस्टर ब्रेकनरिज से बहस कर रहा होता है एक रैट फेस्ड मैन, जिसको होम्स और डॉक्टर वॉटसन सुनते हैं। ठीक है, यहीं पर केस पूरा सॉल्व कर लेता है होम्स और कहता है कि हाँ This may save us a visit to Brixton Road. अब हमें Brixton Road जाकर मिसेज ऑक्सफोर्ड से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केस यहीं सॉल्व हो गया। तो शर्लॉक होम्स अब बताता है कि यही जो मैन था ना, यही राइडर था जो यहाँ लड़ने आया था मिस्टर ब्रेकनरिज से, जो लड़ रहा था रैट फेस्ड मैन, ये कौन था, ये राइडर था। और राइडर अभी पीछे बताया था मैंने आपको, ये होटल का अटेंडेंट था जिसने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था प्लम्बर पर कि प्लम्बर ने चोरी किया है, एक्चुअली चोरी इसी ने ही किया था। अब जो इवेंट्स का सीक्वेंस है कैसे कैसे हुआ सब कुछ, तो अब हमें बता रहे हैं, द मैन इट टर्नड आउट वॉज राइडर, वो मैन जो यहाँ पे अभी लड़ रहा था ये राइडर था, होटल अटेंडेंट, वो मिसेज ऑक्सफोर्ड का भाई था। शी ब्रेड गीज फॉर द टेबल, शी यूज हो रहा है मिसेज ऑक्सफोर्ड के लिए, जो कि राइडर की बहन है। शी ब्रेड गीज का मतलब है उनकी रोजी रोटी ही यही थी कि वो गूस को पालती थी मीट के लिए और बेचती थी, राइट, उनकी यही कमाई थी। उन्होंने राइडर अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस को एक बहुत बढ़िया सा गूस उसको गिफ्ट करेंगी। राइडर जिसने प्लम्बर के खिलाफ गवाही दी थी वॉज द वन हु हैड स्टोलन द जेम, वो वही था जिसने जेम चुराया था। He went to see his sister with the gem in his pocket. वो अपनी बहन के घर गया था उस जेम के साथ, अपने पॉकेट में जेम को रख कर वो अपनी बहन से मिलने गया था। तो वहाँ पे उसने क्या किया, He put it into the mouth of the goose. He thought that his sister had reserved for him. उसने सोचा कि ये वाला गूस मेरी बहन ने मेरे लिए रिजर्व कर रखा है, तो क्यों ना मैं इसी के मुंह में डाल दूँ, जिससे मैं रेड हैंडेड कभी नहीं पकड़ा जाऊँगा, कभी मेरी तलाशी अगर हुई भी बाई चांस, किसी को शक हुआ भी, तो मेरे पास से कभी मिलेगा ही नहीं वो चीज, राइट। तो इस वजह से उसने गूस के मुंह में डाल दिया था। लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या था, हाउएवर ही गॉट द रॉन्ग गूस एंड द गूस दैट हैड द जेम गॉट सोल्ड टू मिस्टर बेकर थ्रू मिस्टर ब्रेकनरिज। और हुआ ये कि वो रॉन्ग गूस उठा के ले गया खुद, और वो गूस किसको चला गया, मिस्टर बेकर को चला गया मिस्टर ब्रेकनरिज के जरिए, क्योंकि मिस्टर ब्रेकनरिज ने होलसेल में लिया था वो गूस किससे, मिसेस ऑक्सफोर्ड से। और मिस्टर ब्रेकनरिज से किसने खरीदा था, मिस्टर बेकर ने, ओके, वही टॉलिश मैन जो है। इन डेस्पेयर, निराशा में वो दुखी हो गया कि उसका गूस चला कहाँ गया, तो राइडर ट्राइड टू रिकवर द गूस फ्रॉम मिस्टर बेकर। जैसे कि राइडर को पता चला कि मिस्टर बेकर को वो वाला गूस बेच दिया गया है, तो वो कुछ हुडलम्स को लेकर उस पर अटैक करने के लिए चल पड़ा, ओके। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करना चाह रहा था, तो वहाँ पे कौन आ जाता है, मिस्टर पीटरसन कमिश्नर आ जाता है। तो ना ही राइडर उससे गूस ले पाया, ना ही उसको जेम वापस मिल पाया, क्योंकि मिस्टर पीटरसन वहाँ पे आ गया था। तो घबरा के वो लोग भी भाग गए थे, और मिस्टर हेनरी बेकर भी वहाँ से भाग गया था। इस तरीके से वो हैट और गूस किसके पास आ गया था, पीटरसन के पास, ओके। पीटरसन ने हैट दे दी थी शर्लॉक होम्स को, और गूस खुद बना लिया था। तो घूम फिर के फिर से जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहीं पे आ गया। आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी स्टोरी। कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में लेके मुझे ज़रूर बताइए। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगी, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।